हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। और वी ऑल नो कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। फ्राइडे का दिन था और जेरम पावल ने जो स्पीच दी थी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिसकी वजह से यूएस मार्केट, डाउ जोन्स की बात कीजिए, नैसडेक की बात कीजिए, S&P 500 की बात कीजिए, अच्छी खासी गिरावट थी। और मार्केट को मैं ऑफकोर्स रात तक देख रहा था कि किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, BTC कितना आ रहा है। और ऑफकोर्स BTC की प्राइस की हम बात करते हैं तो 19,500 के आसपास तक भी BTC का प्राइस आ गया था। ओके, क्या आखिर स्पीच के अंदर कहा, सिंपल लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं इसको। इन्फ्लेशन रेट जो है US का, वो अभी भी 8.5 के आसपास है, ठीक है। और उससे पहले पिछले मंथ में 9 के आसपास था। तो 9 से जब 8.5 के आसपास आया तो मार्केट में ऑफकोर्स एक जो न्यूज़ आती है कि एक्सपेक्टेड था, ज़्यादा था और अभी कम हुआ है, तो मार्केट थोड़ा सा वापस से ऊपर चढ़ गया, ठीक है। लेकिन अभी जो स्पीच दी है उसके अंदर उनका जो मेन, उन्होंने काफ़ी क्लियर कट कर दिया है कि हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन रेट को 2% के आसपास लाना है। अगर आप पूरा एक इन्फ्लेशन रेट का चार्ट देखोगे US का, तो 2021 के आसपास, मार्च के आसपास मेरे ख्याल से 4 के आसपास था। उसके बाद से उसने ऊपर आना चालू किया। तो उनका टारगेट अभी यह है कि 2% के आसपास लाना है। 2% के आसपास जब लाएंगे तो ऑफ कोर्स जो लास्ट टाइम ने देखा था 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, ओके, उसके बाद से उन्होंने अब ये कहा है कि आने वाले मंथ में, या कह सकते हैं कि सेप्टेम्बर मिड के अंदर एक ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा जो है बेसिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। हाइक करना बहुत ज़रूरी रहेगा, प्राइस स्टेबिलिटी ला सके मार्केट के अंदर। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो लोकल करेंसी है, ठीक है, उसकी परचेसिंग पावर को बरकरार रखना विथ रेस्पेक्ट टू स्टेडी एंड स्टेबल ग्रोथ इन इन्फ्लेशन रेट। झटके से नहीं, हाँ ठीक है, परचेसिंग पावर भी है और समय के साथ धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि 10 रुपये की चीज़ है वो सीधा 100 रुपये मिल रही है। अगर हम टर्की की बात करते हैं अभी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन रेट हाई है, नियर अबाउट 78% के आसपास है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों की हालत तो बहुत ज़बरदस्त ख़राब है। सपोज़ कि आप 10 रुपये की चाय पीते थे, ओके, तो वो चाय अभी आपको 100-200 रुपये के आसपास मिलेगी, ये हालत हो गई है, ओके। तो इनका मेन टारगेट है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जब तक 2% के आसपास नहीं आता इन्फ्लेशन रेट, इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और अफकोर्स उसका जो इफेक्ट होगा, ओके, वो आम जनता को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। उसके साथ जो बिजनेस सेक्टर्स भी हैं, बहुत सारे सेक्टर्स बताएं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ सकता है, ओके। तो जैसे ये स्पीच निकली है, ओके, और उसके बाद से हमने देखा है कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिली। पिछली बार भी जब भी कुछ एक बेसिस पॉइंट वगैरह बढ़ता था और हमें तुरंत एक मार्केट के अंदर कभी गिरावट देखने को मिलती थी, बट मार्केट वहाँ से रिकवरी ले जाता तुरंत, ओके। वी पैटर्न हमें बहुत देखने को मिलता था, बट अभी कल के मार्केट के अंदर वी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला। सब पूरा एकदम नीचे की तरफ है अभी। अब मंडे किस हिसाब से मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ये अभी यहाँ तक की बात हो गई। और ऑफकोर्स उसी हिसाब से जो इंडियन मार्केट्स हैं, एशियन मार्केट्स हैं, वो मंडे के दिन रिएक्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब कुछ लाल निशान के अंदर ओपन होना लाजमी है। अब आगे क्या होगा, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी दैट चार्ट्स जो है उसके ऊपर जो पैटर्न्स हमें बता रहे हैं, ओके, वो यही बता रहे हैं कि ये सारी जो खराब न्यूज़ आ रही है ना, हमेशा से ट्रेडिंग में ये ध्यान रखो कि जब भी ये खराब न्यूज़ आती, पैनिक न्यूज़ आती है, इट इज़ एन इंडिकेशन दैट यू शुड बाय। वो न्यूज़ आपको कह रही है कि आपको बाय करना है, DCA करते रहो लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, स्कैल्पिंग, लेवरेज ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, ये सब इसके अंदर रिस्की हो सकता है। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि सस्ते माल उठाना है। लेकिन जब पैनिक न्यूज़ आती है, लोगों को यही लगता है कि यार अब ये 19 आएगा कि नहीं, 20 आएगा, ये वापस 21 चले जाएगा, 17 में हमें मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, आएगा आएगा तब की बात है, ओके। और इतना आसान भी नहीं है। US मार्केट जिस हिसाब से गिरा है, विथ रेस्पेक्ट टू डेट क्रिप्टो में उतनी गिरावट नहीं है, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर 1,000-1,500 तो नॉर्मल ही ऊपर नीचे प्लस माइनस होना। क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो BTC राइट नाउ चल रहा है 20,177 के आसपास, इथेरियम 1,500 के आसपास है। फॉर्मेशन जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक पंप टाइप कॉइन है,
ओके, जब गिरता है नीचे, अभी इसको लेने की जरूरत नहीं है, 27-12 चल रहा है, अगर ये 21-22 के आसपास आता है जो इसका एक सपोर्ट है, मेरे हिसाब से रिस्की रह सकता है, बट मैंने यहाँ तक देखा है कि ये अपने एक सपोर्ट से ज़बरदस्त पंप होता है, तो इसको लेना चाहते हैं तो 22-23 के आसपास आता है तो आप इसको उठा सकते हैं। डॉज की बात करते हैं तो 0.0638 के आसपास चल रहा है, सिबा 1237 के आसपास चल रहा है, अच्छी खासी गिरावट है। मैटिक जो है देखिए यहाँ पे भी अभी संभला हुआ है, 78 सेंट के आसपास है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैटिक के अंदर मैं चार्ट्स देख के आपको एक सपोर्ट्स लेवल्स वगैरह यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। देन BNB 281 के आसपास है, BNB जो है उसने भी मार्केट संभाल के रखा है, ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं हुई है, अगेन 280 से लेकर 300 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से इतना कोई ज़्यादा असर नहीं, ये नॉर्मल एक इफेक्ट है, और अगेन मैं यही कहूँगा दैट ग्रैप करो इसको, ओके। और हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि चार्ट्स की हम जो बात करते हैं, तो चार्ट्स पे कल जो मैंने कहा था चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू 200 मूविंग एवरेज, उसके साथ एलिगेटर्स का जो हमने एक लगाया था इंडिकेटर, डेट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये नीचे है। और मैं कल ये भी बात कर रहा था कि मौका अच्छा है, लेकिन वी नेवर नो कि कब जाके मार्केट में कुछ ऊपर नीचे वाली न्यूज़ आ जाए, ख़राब न्यूज़ आ जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, देन यू शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो वही फेड की जो न्यूज़ आई और उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ है, और BTC 20,100 के आसपास चल रहा है, 19,500 के आसपास आ गया था। अब मंडे किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है, मेरे हिसाब से मंडे जो है मार्केट थोड़ा सा पैनिक में नीचे होगा, और शाम को US मार्केट में किस हिसाब से एक बाउंस बैक आता है, नहीं आता है, या वापस और नीचे आता है, उस हिसाब से ट्यूजडे का जो दिन होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, और उसके ऊपर से क्रिप्टो में वापस से थोड़ी सी हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिप्टो जो है ये एक अलग कैटेगरी का एसेट है, ओके, और इसको हमेशा एक हैज एसेट की तरह यूज़ किया जाता है, जब स्टॉक मार्केट यहाँ नीचे होता है, कोल्ड नीचे होता है, तो इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, और सबको पता है कि आने वाले टाइम में वापस से जब चीज़ें थोड़ी सी ग्रीन होंगी तो सबसे तेज़ जो एसेट भागने वाला होगा वो क्रिप्टो एसेट रहता है, बिटकॉइन वगैरह होता है, ओके। तो जैसे जैसे इस लेवल पर आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइंग करने के लिए बैठे हैं, 19 पे, 18 पे, 17 पे, इस सब पे, ठीक है। ऐसा ये भी मत सोचना कि अगर झटके से प्राइस 14 पे आ गया, 15 पे आ गया, तो आपको आराम से एकदम फुर्सत में टाइम मिलेगा कि भैया बाय कर लो, ऐसा नहीं है, आएगा एकदम स्पाइक, अगर इनके साथ आ है तो एकदम झटके से स्पाइक आएगी, 14-15 की आ सकती है, आई फटाक से वापस होगा, आपको 18-19 के आसपास दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ए क्विक अपडेट, और इसके बाद हम कुछ वापस ऑल्ट कॉइंस की एनालिसिस करेंगे, मेरे हिसाब से मैं मैटिक को ज़रूर कवर करूँगा, उसमें क्या करना चाहिए, देन अगेन शिबा पे हम वापस से थोड़ा सा फोकस करेंगे, मीम्स की ये मेरी 2-3 कैटेगरी हमेशा मैं साइड में रखता हूँ, ताकि स्कैल्पिंग करके क्विक वहाँ से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।